आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट का प्रैक्टिकल करेंगे। अपना ऑब्जेक्ट है हमें अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, इसका उपयोग करके हमारी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। हमारा एम है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अगर अपन आइडियल कंडीशन देखें तो एक बैटरी जो हम काम में लेते हैं उसका रेजिस्टेंस लो होगा, तभी हम उसमें से करंट मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइडियल कंडीशन में हमारे पास जो बैटरी होती है उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, पर यहाँ हम क्या करेंगे, हमारी बैटरी के साथ में एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, तो हमारी बैटरी का रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर के बराबर। मतलब वो रेजिस्टेंस जो हमने बैटरी के साथ में सीरीज में कनेक्ट किया। अब अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है? थ्योरम के अकॉर्डिंग जब बैटरी का रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो तो सर्किट के अंदर पावर की वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। लोड मींस लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से हम आउटपुट लेंगे। यहाँ कैपिटल आर ये रेजिस्टेंस बॉक्स, इसके थ्रू हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं। तो इस सर्किट के अंदर मेरे पास जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल होगा तब पावर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो ये अपनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। अब लैब के अंदर जो अपन एक्सपेरिमेंटल सेटअप काम में ले रहे हैं उसमें हम ये बैटरी काम में लेंगे। बैटरी हम ले रहे हैं 2 वोल्ट्स की, इसके साथ में सीरीज में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से 5 ओम्स का रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। दैट मींस मेरी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बना लिया 5 ओम्स के बराबर। इस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ सीरीज के अंदर कुंजी लगाई है, की है, इसको सर्किट में मैंने के से डिनोट किया है। आउटपुट रेजिस्टेंस बॉक्स हमने लगा रखा है कैपिटल आर से, इसको हमने डिनोट किया है। अब आउटपुट मेजर करेंगे हम वोल्टेज। तो यहाँ इस रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल में मैंने ये वोल्टमीटर कनेक्ट किया है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है जो हम यहाँ लैब में यूज करेंगे। अब ये जो मैंने वोल्टमीटर यूज किया है यहाँ लैब में, पहले हम इसका लीस काउंट निकालेंगे। लीस काउंट निकालने का क्या मेथड है, हम वोल्टमीटर के 10 खानों का मान देखेंगे। तो 10 खानों का मान बराबर है यहाँ 0.5 वोल्ट्स। इस रीडिंग से हम एक खाने का मान निकालेंगे। लीस काउंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन जो हम किसी एक्सपेरिमेंट से मेजर कर सकते। That means ये एक खाने का मान ये मेरे लीस्ट काउंट के बराबर है। तो मेरा एक खाने का मान आ जाएगा 0.5 वोल्ट्स अपॉन 10, 0.05 वोल्ट्स। ये अपना वोल्ट मीटर का अल्पतम मान हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हम पावर की वैल्यू निकालेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V² / R। एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे, हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से फिक्स्ड रेजिस्टेंस निकालेंगे जिसकी की वैल्यू हम रखेंगे 5 ओम्स, और जब हमें ऑब्जर्वेशन लेनी है तब हम इस प्लग के अंदर की इंसर्ट करेंगे और फिर इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम 1 ओम का रेजिस्टेंस निकालेंगे। वोल्ट मीटर में आई हुई रीडिंग नंबर ऑफ डिविजन्स हम नोट करेंगे और फिर वोल्टेज निकालने के लिए लीस्ट काउंट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्दर आगे हम आर की वैल्यू चेंज करेंगे और वोल्ट मीटर में नंबर ऑफ डिविजन्स हम
लोड करें। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ लैब में हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे ये मैं आपको सेटअप के ऊपर अब दिखाऊंगी। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये बैटरी हमने जो काम में ली है इसको हमने 2 वोल्ट्स के ऊपर सेट किया है। इसके साथ में मैंने ये रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है। रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ सर्किट डायग्राम में जैसे हमने शो किया था की कनेक्ट किया है, उसके साथ में दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स हमने कनेक्ट किया है और आउटपुट मेजर करने के लिए इस रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल में ये वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया है। तो इस वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट अपन निकाल चुके हैं, 10 डिवीजन्स 0.5 के इक्वल है, तो 1 डिवीजन की वैल्यू मेरी हमने निकाल ली जो कि आई है 0.05 वोल्ट्स। अब बैटरी के साथ में सीरीज में ये रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है, इसमें से 5 ओम्स का प्लग मैंने निकाल दिया, दैट मीन्स मेरी बैटरी का रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम। अब रीडिंग स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर की इंसर्ट कर रहे हैं और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस निकालूंगी और वोल्ट मीटर के अंदर आए हुए खाने मुझे देखने हैं। अभी जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ डिवीजन्स मुझे मेजर करने हैं, बाकी सारे रेजिस्टेंसेस मेरे टाइट होने चाहिए, अदरवाइज वो रेजिस्टेंस भी इंक्लूड होंगे। तो हमने इसमें से 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है और नंबर ऑफ डिवीजन्स अभी इसके अंदर आ रहे हैं 13 के इक्वल। अब 1 ओम के बाद इसमें से मैं 2 ओम्स का रेजिस्टेंस निकाल रही हूँ और नंबर ऑफ डिवीजन्स मैं नोट कर रही हूँ जो कि इस पोजीशन पे मेरे हैं 21। इस तरह से 1 ओम से स्टार्ट करके मुझे 10 ओम्स तक का रेजिस्टेंस इसमें से निकालना है। तो 10 ओम्स के रेजिस्टेंस तक मैं वोल्ट मीटर में आए हुए नंबर ऑफ डिवीजन्स नोट कर लूँगी। अब आपको मैं बताऊँगी कि इसकी जो टेबल हम बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे और आगे फर्दर कैलकुलेशंस हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। चीज़ ध्यान रखें, जब हम ऑब्जर्वेशंस नहीं लें तो हमें सर्किट में से की निकालनी है। हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं, एक तो आर मेजर किया था, आर रीडिंग किया था 1 से 10 ओम और वोल्ट मीटर में नंबर ऑफ डिवीजन्स स्मॉल एन की वैल्यू हमने नोट की है। तो 1 ओम्स पे जैसे वैल्यू आई है मेरी 13, हम वोल्टेज निकालने के लिए नंबर ऑफ डिवीजन्स को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। लीस्ट काउंट हमने डिटरमाइन ऑलरेडी कर चुके हैं 0.05, तो हमारा वोल्टेज आ जाएगी 13 × 0.05। तो ये मेरी रीडिंग आ गई वी की। अब इस रीडिंग की हेल्प से मैं पावर निकालूंगी। हमें पता है पावर होती है V² / R, तो V की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, V² / R, ये अपनी पावर की वैल्यू आ जाएगी। पावर की यूनिट होती है वॉट। तो ऐसे ही 10 ओम्स तक हम पावर की वैल्यू यहाँ पर डिटरमाइन कर लेंगे। ये वैल्यू के डिटरमाइन करने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे R में और P में। R कैपिटल R हम लेंगे एक्स एक्सिस पे और पावर हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे। तो 1 ओम के कोरिस्पोंडिंग जो P की वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही हर 2 ओम्स के कोरिस्पोंडिंग जो P आ रहा है उसको हम प्लॉट करेंगे। पॉइंट्स को जॉइन करने पर हमारा ग्राफ जो आएगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू R के ऊपर मैक्सिमा शो करेगा और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग जब बैटरी का रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर है तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम है। दैट मींस
ये जो वैल्यू है कैपिटल आर की, ये हमारी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से ग्राफ की हेल्प से हमने बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला है 5 ओम्स, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू भी अपन ने 5 ओम्स रखी। दैट मीन्स हमारा एक्यूरेटली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने डिटरमाइन कर लिया है। पर कई बार कुछ करंट लॉसेस की वजह से मैक्सिमा एग्जैक्टली 5 ओम्स पे नहीं आती। तो जिस वैल्यू के ऊपर पावर मैक्सिमम है वही अपना रिजल्ट है, दैट मीन्स वही अपनी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हमने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की हेल्प से बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।